मेरा ब्लॉग में 70+ ब्लॉग पोस्ट है, लेकिन फिर भी कोई भी ट्रैफिक नहीं है। क्या आप जानते हैं कि ये कैसे हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा है, ट्रैफिक क्यों नहीं आ रहा है मेरे ब्लॉग पर? एक्चुअली बात क्या है कि जब मैंने ब्लॉग पोस्ट लिखा था, अभी टोटल 70+ है आर्टिकल, लेकिन फिर भी मेरे ब्लॉग पर कोई भी इतना अच्छा ट्रैफिक नहीं है। और लगभग ये पकड़ लीजिए 6 महीने का आसपास हो रहा है मेरा ब्लॉग, लेकिन फिर भी ट्रैफिक नहीं है। इसका मूल कारण है कि क्योंकि जब मैंने ब्लॉग पोस्ट को पब्लिश किया था, या फिर जब आर्टिकल जब लिख रहा था, तो मेरा ब्लॉग की जो आर्टिकल है उसमें मैंने कीवर्ड से यानी SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं किया था, जिसमें मैंने कोई भी कीवर्ड रिसर्च नहीं किया, बस आर्टिकल लिख दिया और उसको पब्लिश कर दिया। लेकिन मुझे तब फाइनली जब मुझे पता चला कि आखिर क्यों नहीं मेरा ब्लॉग पर क्यों नहीं पेज व्यूज़ आ रहा है, क्यों नहीं ट्रैफिक है, तो मैंने धीरे धीरे एक एक आर्टिकल को मैंने रैंक करना शुरू किया, यानी कि उसको ऑप्टिमाइज़ करना स्टार्ट किया। ऑप्टिमाइज़ करना जब स्टार्ट किया, तब मुझे पता चला कि अच्छा, इसके वजह से मेरा ब्लॉग पर कोई भी ट्रैफिक नहीं आ रहा था, क्योंकि जो मैंने ब्लॉग पोस्ट जो आर्टिकल जो मैंने लिख कर जो अपने ब्लॉग पर पब्लिश किया, वो गूगल की सर्च रिजल्ट में आता ही नहीं है। और अगर सर्च रिजल्ट में आता है तो ये फर्स्ट पेज पर नहीं है, जो टॉप 10 में होता है, टॉप 20, टॉप 50, या फिर टॉप 4 में जो होता है, 10, यानी कि टॉप 10 में आने से आपका ब्लॉग पोस्ट में कीवर्ड की वॉल्यूम कितना है, उस पर कितना सर्चेस हो रहा है, उसके हिसाब से आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक आएगा। लेकिन अगर आपका ब्लॉग पोस्ट गूगल सर्च रिजल्ट में रैंक नहीं कर रहा है, कोई उस पर क्लिक नहीं कर रहा है, तो आपके ब्लॉग पर कोई भी ट्रैफिक नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका ब्लॉग पोस्ट टॉप 50, टॉप 100 यानी टॉप 10 के अंदर नहीं आता है, तो उसमें कोई भी क्लिक ही नहीं करेगा, कोई उसके पेज 2, पेज 3 पर ऐसे क्लिक करके कोई आपके ब्लॉग पर आएगा ही नहीं विजिट करने के लिए, कोई उस पोस्ट को पढ़ेगा ही नहीं, इसकी वजह से ट्रैफिक नहीं आता है। तो मैंने क्या किया, मैंने क्या कि पहले एक आर्टिकल को मैं रैंक करता हूँ, उसे कैसे फर्स्ट पेज पर लेके आता हूँ। हाँ, लॉन्ग टेल कीवर्ड, ये छोटा सा कीवर्ड नहीं, लॉन्ग टेल कीवर्ड है, 5-6 ऐसे वर्ड की है। तो मैंने ऐसे उसको अपडेट करते रहा और उसको ट्रैक करके देखा कि अब कहाँ पर है मेरा ब्लॉग पोस्ट। कुछ दिन के बाद फिर मैंने उसको अपडेट किया, कुछ और कंटेंट उसमें डाल के ऐड किया और उसको अपडेट किया, तब जाके ऐसे मैंने ट्रैक करके देखा तो पता चला कि अच्छा, इस तरह होता है। तो फाइनली मेरा अभी 3-4 ऐसे पोस्ट है जो गूगल की फर्स्ट पेज पर आ जाता है टॉप 10 के अंदर। तो मैं अभी बस मेरा अगला जो प्लान है, मैं वही है कि मेरा जितने पास जितना ब्लॉग आर्टिकल है मेरे ब्लॉग पर, उन सभी को मैं कीवर्ड्स इसको ऑप्टिमाइज़ करूँ, सर्च इंजन के लिए उसे ऑप्टिमाइज़ करूँ, जिससे मेरा ब्लॉग पोस्ट टॉप 10 पर आए, या फिर टॉप 50 पर आए, टॉप 20 पर आए, टॉप 15 पर आए, जिससे लोग मेरे ब्लॉग पर आए, क्लिक करें, विजिट करें, पढ़े। इसलिए मेरा अब नेक्स्ट जो प्लानिंग है कि मैं अब जब भी कोई आर्टिकल लिखूं तो उसे सर्च इंजन के साथ ऑप्टिमाइज़ करूं, जिससे वो गूगल पर रैंक करे और गूगल की टॉप 10 पर आए और लोग उस पर क्लिक करें, विजिट करें, जिससे मुझे एफिलिएट की सेल्स भी आए उसके द्वारा, और एडसेंस की अगर मैं ऐड भी लगाऊं तो उस पर क्लिक भी आए। अगर ट्रैफिक नहीं है ब्लॉग पर तो कुछ भी अर्निंग नहीं होगा। अगर ब्लॉग पर आप बहुत सारे पोस्ट लिख भी रखे हैं, अगर उसमें आपने SEO नहीं किया है, उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं किया है, तो ये पोस्ट आपने लिखा उसे बेकार, क्योंकि उस पर कोई आएगा ही नहीं, पढ़ेगा ही नहीं। तो फिर ये ब्लॉग पोस्ट आपका लिखा हुआ, यानी कि जितना भी आपने उसमें इतना इफ़ोर्ट लगाया है, जितना भी आपने उसमें टाइम दिया है, उससे कुछ और टाइम लगा कि आप उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ कीजिए, उसे गूगल फ्रेंडली बनाइए, यूज़र फ्रेंडली बनाइए, जिससे लोग जिस टॉपिक के बारे में जानना चाहता है, लोग जो जानना चाहते हैं उसके बारे में उस आर्टिकल पर लिखे, जिससे गूगल पर रैंक होए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात ज़रूर समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने रियल एक्सपीरियंस जो है वही यहाँ पर मैं शेयर करता हूँ, ताकि आपको पता चले कि मैं किस तरह अपने ब्लॉग पोस्ट को रैंक कर रहा हूँ और कैसे मैं उसको रैंक करना चाहता हूँ। इसके अलावा मेरे ब्लॉग पर जो आर्टिकल है वो क्यों नहीं रैंक हो रहा है, या फिर मेरे ब्लॉग पर क्यों नहीं ट्रैफिक है, ये मुझे पता चला, और जिसके वजह से मैं अभी उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया है। और मेरे जो ब्लॉग पोस्ट है अब उसे भी मैं ऑप्टिमाइज़ कर रहा हूँ, उसको फिर से मैं एडिट कर रहा हूँ, और उसे गूगल में रैंक होने के लिए कीवर्ड्स रिसर्च करके उसको ऑप्टिमाइज़ कर रहा हूँ, जिससे कोई भी अगर सर्च करे उस टॉपिक के बारे में, तो मेरा ब्लॉग पोस्ट ज़रूर सर्च रिजल्ट में शो करे और लोग उस पर क्लिक करके आए और उस पोस्ट को पढ़े, कुछ समझे, सीखे, और मुझे भी उससे कुछ फ़ायदा हो। तो आशा करते हैं वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, चैनल को
सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इस वीडियो का लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने ब्लॉग पर जो हुआ है या फिर जो मैं करता हूँ उसी से संबंधित अपने रियल जो एक्सपीरियंस है वही यहाँ पर शेयर करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर।